एक दूजे के वास्ते इंसान वाइफ के मामले में इतना लकी हो, उसने अपनी वाइफ से चिल्ला के बात की, गलती की, प्लीज माफ कर दो। श्रवण, सिर्फ एक गलती हुई तुमसे आज? हाँ। जो तुमने अवनी और अयान के साथ किया, क्या वो सही था? श्रवण, आज तुमने मेरा नहीं अवनी का दिल दुखाया है, इसलिए सॉरी भी मुझे नहीं, उसे जाकर कहो। यार मैंने जो किया ना, वो खुद के लिए नहीं किया, अवनी के फ्यूचर के लिए किया मैंने। अब इसमें सुमन मेरी क्या गलती है? वो लड़का कोई बात हैंडल कर ही नहीं पा रहा, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब बचपन है सुमन। श्रवण, ये शब्द तुम बचपन में भी सुन चुके अपने घर वालों से, जब उन्हें पता चला था हमारे प्यार के बारे में। याद है ना सबने क्या कहा था? यही कि ये सब बचपन है। एग्जैक्टली ना, वो बचपना था श्रवण, और ना हम भूले। आज तुम और मैं यहाँ खड़े हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हम दोनों अम्मी अयान को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मैं समझ रहा हूँ सुमन, पर कल तक तुम्हें अयान पसंद था, आज अचानक तुम्हें वो अम्मी के लायक नहीं लग रहा। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता ना उसे ह्यूमिलेट करने का? श्रवण, अपनी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। वो इस वक्त बहुत अपसेट है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे तो तुम दोनों को अच्छा लगे। क्या हुआ चाची, आपका मूड खराब लग रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे। पता नहीं श्रवण, अवनी को क्या हो गया, उसका मूड बहुत ऑफ है। कुछ भी पूछ रही हूँ ना तो बता ही नहीं रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि। अच्छा सुन ना, उसका ये जो नया काम स्टार्ट हुआ है, ये ठीक तो चल रहा है ना? क्या चाची, इतनी मेहनत से काम कर रही है, काम अच्छे से क्यों नहीं चलेगा? आप ना चिंता मत करो, मैं अभी उसका मूड ठीक करके आता हूँ। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ और तू ऐसे। बात नहीं करनी, तभी तो इग्नोर कर रही हूँ ना भैया। इतनी नाराज है मुझसे? तू ये क्यों नहीं समझ रही कि जो मैं कर रहा हूँ शायद उसमें तेरी भलाई हो? अम्मी, भलाई? ग्रेट, तू कर ली भलाई, अब और कुछ बचा है करने के लिए? अम्मी, ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से? मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्ज? गुस्से में ना सब कुछ गलत ही लगता है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तुझे ना चीजें समझ आएंगी। मुझे नहीं समझना है कुछ भी, आप जाओ ना प्लीज यहाँ से। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या अम्मी? हाँ हो गया है, आपकी वजह से। क्यों, मैंने क्या किया? थैंक्स भैया, अयान की इतनी बेइज्जती करने के लिए। क्या वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है? वो बहुत नाराज हो गया। वाह,
डरपोक तो वो था ही जो दूसरों के पीछे छिपते हैं। अब मुझे पता चला कि उसमें ईगो प्रॉब्लम भी है। अवनी, मैं तुझे समझा रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते, ऐसे लोगों से ना दूर रहने में ही भलाई है। भैया मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगी, आप जाओ प्लीज। सीधा अवनी से बात करके श्रवण सब कुछ ठीक कर देगा। बाहर से जितना मर्जी गुस्सा दिखाए, दुखी तो वो भी था, पर अब सब अच्छा होगा। श्रवण, श्रवण क्या हुआ? और बताओ, मुझे दोनों के बीच में कितना प्यार है। हाँ होगा प्यार, लेकिन अब वो अयान अवनी का फोन नहीं उठा रहा है। उधर अवनी नीचे रो रही है और उधर अयान गायब है। ये होता है क्या सच्चा प्यार? श्रवण सबसे पहले प्लीज शांत हो जा, प्लीज। तुम जिस मूड में हो ना, किसी भी बात का कोई सलूशन नहीं निकलेगा। श्रवण यहां देखो, श्रवण इंसान के हर छोटे बड़े रिएक्शन को प्यार के साथ मत जोड़ो। इस तरीके से प्यार के साथ जोड़कर तुम उसे जज कर रहे हो। शांत हो जाओ, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। अयान ने अभी तक अवनी को कॉल वापस नहीं किया, ये लड़का भी ना। वेटिंग फॉर यू, वेयर आर यू? आ रही हूँ बाबा, थोड़ा तो वेट करो। ग्रेट, जिस दिन लेट हो रहा हूँ ना, उसी दिन इयररिंग्स ड्रेस से मैच नहीं करती। कहाँ गई ये? सुमन को कॉल कर। याद है वो जो पर्पल वाली इयररिंग्स थी, आई थिंक अमरपाली से ली थी या आई डोंट। घंटा, मैं इस वक्त कैंट में हूँ, तुझे बाद में। इस वक्त तो कहाँ होती है मुझे पता है, पर ये बताने के लिए तुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मुंह से बताना यार, बता देना। एक सेकंड, ये मेडिसिंस मैंने आपको लिख कर दिए, आप टाइम पर लेना, कुछ हो तो मुझे बताना। कंचा, तेरे वो झटके वाले ढंचा के इयररिंग्स ना मुझे कभी पसंद नहीं थे, और वो तुझे श्रद्धा ने दिए थे। देख जरा ध्यान से, वहीं पर होंगे। एक्सक्यूज मी, बहुत सेक्सी है वो, पर अफसोस अभी मिल नहीं रहा। कंचा, अच्छा जहाँ मैं अपने कपड़े रखती थी वहां देखा? झटके लगते है तुझे, पर एक ही बार में ढूंढ दिया, वो भी कैंट में बैठे बैठे। पक्का तेरे भी फेवरेट है। जी नहीं, मैं बस अपनी चीजें सही जगह पर रखती हूँ और अपनी अलमारी बार बार साफ करते रहती हूँ। खैर ये बता कि झटके वाले इयररिंग्स पहनकर ऑफिस जाने की तैयारी है क्या? क्योंकि ये वाले तो। प्लीज, ऑफिस नहीं, बस किसी से मिलने जा रही थी। अच्छा ओके, एक मिनट एक मिनट, किससे मिलने जाना है और ये किससे कौन है? ओहो सुमन, अब है ना कोई। हाँ ठीक है, तो इतना सस्पेंस क्यों बना रही है? अच्छा ये पता, उसका नाम क्या है, कहाँ मिला, क्या करता है, पता ना कंचा? बहुत लंबी कहानी है बहन, और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत लेट हो रही है। और शाम को कॉल करो। ओके चल बाय, सॉरी। हाँ ओके। कम
सुमन, आई नो आपको अभी ये फाइल चाहिए होगी, लेकिन मुझे कई काम है इसलिए आप इसे जाकर। श्रवण तुम, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि नर्स होगी। तुम यहाँ इस वक्त कुछ काम है? क्यों भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी वाइफ का ऑफिस है ये, बिना काम के भी आ सकता हूँ। हाँ आ सकते हो, लेकिन आज के पहले कभी आई नहीं हो इसलिए पूछ रहे हो। थोड़ी बिजी लग रही हूँ, कहीं जा रही हो? हाँ कहीं जाना तो है। तो जाओ ना, देर किस बात की है, मैं तो यहीं आ गया था। ओके बाय बाय। लैन तो तुम्हारे साथ कॉफी पीने का था। खैर कोई बात नहीं। I'm so sorry आयान, तुम कब से वेट कर रहे थे ना? नहीं बस अभी आया। इसे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मैं सोच रही थी पता नहीं शायद तुम आओगे या नहीं। तो आपने भी मेरे बारे में पहले से ही तय कर लिया, आपको सच में भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? आयान अक्सर इंसान जो देखता है उसी पर भरोसा करता है ना। तुम जिस तरीके से घर से चले गए थे, फिर अवनी का कॉल भी रिसीव नहीं किया, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं। आयान तुमने अवनी का कॉल क्यों रिसीव नहीं किया? क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा आप सबके साथ। फिर मेरी एक कॉल पर आ गए। बहुत इज्जत करता हूं मैं आप सबकी, और उसके साथ अवनी से प्यार भी बहुत करते हो। श्रवण अवनी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, इसलिए शायद वो अपनी जगह सही भी हो। बट आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ कि कई बार वो कुछ ज्यादा ही कह देता है, डांट देता है। एंड फॉर दैट आई एम सॉरी। नहीं प्लीज। तुम्हें पता है जब मैंने और श्रवण ने शादी करने का फैसला लिया तब सब खिलाफ थे हमारे। हम दोनों आपस में चाहे कितना भी लड़ ले, एक दूसरे पर से भरोसा वो कभी कम नहीं हुआ। आयान एक रिश्ते में एक दूसरे पर और प्यार पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। तुम अवनी से प्यार करते हो ना यार? दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। आयान क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने पर अवनी की क्या हालत हुई होगी? आयान तुम्हारे प्यार ने उसकी परेशानी बढ़ा दी। तो भाभी आप ही बताइए ना क्या करूं मैं अब? क्या तुम्हें सोचना है? आयान श्रवण को लगता है कि जब तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम अवनी के लिए कैसे लोगे? मैं जानती हूं कि ऐसा नहीं, पर ये अब तुम्हें प्रूव करना है। ओके मैं चलती। अरे जब से भाई साहब मालदीव्स गए ना, उन्हें जब भी फोन करो मालदीव्स की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। यार अब तो मेरा सच में मन करने लगा है कि मैं भी सामान उठाऊं और मालदीव्स चला जाऊं। क्या हुआ अवनी, तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम स्वीट भी नहीं खा रहे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है पापा। अवनी रसमलाई तो तेरी फेवरेट है, लेकिन आज तो डिनर पे भी आने के लिए मना कर रही थी, सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब ठीक है मम्मी, मैं यूएस वापस जाना चाहती हूँ। अचानक यूएस? मतलब तुम तो हम लोग के साथ यहाँ रहने वाली थी ना? अवनी तू हमसे कुछ छुपा रही है क्या? अरे आयान आओ बैठो,
सब ठीक है ना? अचानक इतनी रात को कैसे? ये? अरे यही तो आयान है, श्रवण का दोस्त। इसी ने हमारी अवनी के साथ मिलकर नर्सरी का काम शुरू किया है। यहाँ कैसे आयान? आपसे एक झूठ बोला था अंकल। मैं श्रवण भैया का दोस्त नहीं हूं। मैं इस झूठ के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। मेरा सच ये है कि मैं अवनी से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.